हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज है दिसंबर और संडे है और मैं दिसंबर मंथ का गार्डन ओवरव्यू कर रही हूँ। आपने देखा फाइकस और जेड प्लांट, देखिए यहाँ है स्पाइडर प्लांट, यहाँ पर है मनी प्लांट, यहाँ भी मनी प्लांट और बीच में तुलसा जी हैं। साथ में यहाँ है शमी का पेड़ और यहाँ पर है स्नेक प्लांट बॉर्डर वाला। साथ में यहाँ केले का प्लांट, फाइकस का प्लांट, मनी प्लांट और यहाँ पर बड़ा वाला स्नेक प्लांट। यहाँ पर है लेडी डायना का प्लांट और यहाँ पर है क्रोटोन की एक वैरायटी, बहुत ही सुंदर पौधा है। और ये है सिंगोनियम, देखिए इसकी लीफ कितनी ग्लॉसी और कितने हेल्दी लग रहे हैं। कुछ समय पहले मैंने इसे पूरी तरह से क्लीन भी किया है, इसलिए भी बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर है सिंगोनियम और मनी प्लांट की एक वैरायटी जो एक छोटे से पॉट में इतना बड़ा हो गया है। और यहाँ पर हमारा डेफिनवेचिया का प्लांट, देखिए इसकी एक लीफ टूट गई थी, उसे मैंने यहाँ लगा दिया है। आशा ही हर एक चीज़ की जननी होती है, अगर ये लग गया तो बहुत अच्छा प्लांट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर है मनी प्लांट और मनी प्लांट को मैंने बनाया था किस तरह से राउंड शेप में, आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ भी एक छोटा सा डेफिनवेचिया, यहाँ मनी प्लांट, यहाँ पर मैंने लगाए हैं कोरियस की कई सारी कटिंग। और ये भी देखिए एक क्रोटोन की ही वैरायटी है और इसके लीफ में एक अलग ही वेरिएशन है, बहुत सुंदर प्लांट है। यहाँ पर स्नेक प्लांट की छोटी वाली वैरायटी और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। और यहाँ पर जो स्टेयर है उस पर हैंगिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। इधर मैंने रखा हुआ है कुछ कटिंग्स को जो लगाया था। और इस तरह से देखिए यहाँ पर नाग चंपा की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। यहाँ पर मैंने फाइकस की छोटी सी कटिंग लगाई थी, वो भी एक प्लांट का रूप अब ले रहा है। और इस तरह से देखिए मैंने कई सारे प्लांट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ये जो नीचे वाला मेरा जो गार्डन है, यहाँ बेसिकली मैं बहुत सारी कटिंग्स वगैरह लगाया करती हूँ और जो इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती। अब आते हैं हम ऊपर वाले टेरेस पे, तो यहाँ पर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सबसे पहला जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये है गजानिया। गजानिया का ये फ्लावर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अभी तो जब सब में खिलेंगे तब देखना और बहुत सुंदर लगेगा। डायंथस के भी चार प्लांट हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं। यहाँ पर देखिए पिटूनिया, इनकी मैंने पिंचिंग करी थी और आप सबके साथ शेयर किया था। अब देखिए इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ऐसा करें कि फ्लावर्स खिलने ही ना दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप पिंचिंग करेंगे तो आपका प्लांट बुशी बनता है, जैसा आप यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं, और बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। यहाँ पर है गुलदाउदी यानी कि क्रेसेंथमम और इन सब की मैंने छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी और देखिए सब में अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर रोज़ प्लांट, ये चाइना रोज़ वाइट कलर में, और देखिए कितना अच्छी फ्लावरिंग हुई है। जब ये फ्रेश फ्लावरिंग हुई थी तब मैंने आपके साथ इसके लिए एक शॉर्ट्स भी शेयर किया हुआ है, शायद आपने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। देखिए ये जो अडेनियम है इसमें इस तरह से लीफ येलो होकर गिर रहे होंगे, अगर आपके गार्डन में भी ऐसा हो रहा है तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये अब डोरमेंसी में जा रहे हैं। गुलाब को देखिए इसे खिले हुए 15 दिन हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस गुलाब को देखकर। और देखिए ये देसी वाला है, एक हफ्ते में ये मुरझा गया है, इसे एक हफ्ता हुआ है। तो इस तरह से मुरझाए हुए फ्लावर को हटाएँ और साथ में जो नई कलियाँ हैं वो खिलने के लिए ज़्यादा पोषण ले पाएंगी, तो इसे खिले हुए को हटाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए ये सारे फ्लावर्स खिल चुके हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया गुलाब ने, बहुत अच्छे फ्लावरिंग हुई यहाँ पर। यहाँ पर हमारा जो बोगनविला है वो सब, और ये देखिए यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये रेड कलर का प्लांट, ये लग रहा है ना फ्लावर है बट ये फ्लावर्स नहीं है फ्रेंड्स, ये है सारे के सारे इसके लीफ। इस प्लांट को बोलते हैं पॉन्सोटिया और ये देखिए कितने प्यारे इसके जो फ्लावर जैसे लीफ हैं वो हैं, इसी की वजह से ये बहुत ही मशहूर है। और देखिए ये सारे प्लांट जो हैं अभी डोरमेंसी में हैं, या तो ये ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या अपने लीफ गिरा रहे हैं, तो कुछ को आप कट कर सकते हैं, हल्का ट्रिम करके भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हारसिंगार का प्लांट है, इसमें देखिए सारे के सारे बीज डेवलप हो गए हैं, अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसे भी आप ऊपर से कट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे के सारे गुलदाउदी क्रायसेंथमम, जिन्हें मैंने, ये मदर प्लांट हैं, इन्हें मैंने कुछ नहीं किया था, ये ऐसे ही छोड़ दिया था और ये सब मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। देखिए ये कितना सुंदर इसका जो फ्लावर है वो आया हुआ है और देखिए इन सब पे फ्लावर्स अब बनने शुरू हो गए हैं। जब ये सारे खिलेंगे बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे फ्रेंड्स।
हाँ, पिछले साल से थोड़े कम है इस बार मेरे पास गुलदाउदी के प्लांट्स, और यहाँ पर देखिए सारे प्लांट लगा रखे हैं। इसे देख के बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कलियाँ डेवलप हो गई थी, एक एक प्लांट में 2 से 3 थी, और सारे बंदर ने इसे ख़राब कर दिया, बस कलियों को ही तोड़ दिया। ये बहुत बुरा लगता है जब बंदर आते हैं तो इस तरह से नुकसान करके चले जाते हैं। यहाँ सारे सनफ्लावर लगा रखे हैं मैंने। ये एक नया प्लांट है और ये 2 कलर में मैंने लिया है, बहुत खूबसूरत प्लांट है, उसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत हैं। और देखिए ये गेंदे का प्लांट, इसे लिए हुए लगभग 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ये फ्लावर इसी तरह से कंटिन्यू खिले हुए हैं। यहाँ पर सारे गुड़हल के प्लांट लगा रखे हैं मैंने, जिसमें जो ये हाइब्रिड वाले हैं इनमें अब अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है, और जो देसी वाले हैं इनमें अब फ्लावरिंग कम हो रही है, क्योंकि सर्दियों में ये इतनी फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो ये देखिए ये गुच्छे वाला है, डबल पेटल वाला, और पीछे मैं दिखा पाऊँ आपको, यहाँ पर है हमारा मिर्ची गुड़हल। इसमें आप देख रहे हैं गुड़हल लगा हुआ है, और ये दिखने में लगता है जैसे मिर्ची है, बस ये इतने ही खिलेंगे फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा ये फ्लावर्स खिलते नहीं हैं, ऐसे ही रहते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, बट मन बहुत है, शौक़ बहुत है, तो मैं बहुत ढेर सारे प्लांट्स लगाती हूँ, बट अगर इतने ही प्लांट्स थोड़े और जगह में हो तो और खूबसूरत लगेंगे। यहाँ पर देखिए अमरूद का प्लांट अब बड़ा हो रहा है, और यहाँ पर मैंने टिकोमा को कट कर दिया था, इन सारे बड़े प्लांट्स को मैंने कट कर दिया था, क्योंकि ये सब डोरमेंसी में हैं और ये सब फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है पीस लिली का प्लांट, और देखिए इसमें नीचे से भी 2 फ्लावर आ रहे हैं, ऊपर ऑलरेडी 2 फ्लावर हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर बिगुनिया के 3 प्लांट्स लगाए हैं, और ये कॉस्मोस के लगा रखे हैं प्लांट। तो सब में अब आगे चल के फ्लावरिंग होगी मेरे गार्डन में, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मैं बीच में बीमार पड़ी थी, जिस वजह से मैंने काम थोड़ा देर से शुरू किया था प्लांट्स लगाना। खैर कोई बात नहीं, अभी आगे जनवरी में मेरे गार्डन में बहुत ढेर सारे फ्लावर्स होंगे जो आपको बहुत ही मोहित करेंगे, आप देखना। और ये है रात रानी का प्लांट, इसमें भी कलियां हैं। यहाँ पर मैंने अनार का प्लांट लगा रखा है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, बहुत खुशी होती है अनार के प्लांट को देख कर, क्योंकि 4-5 साल से मेरे विश लिस्ट में था, और जिसे मैं इस 1 साल से केयर कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर है संध्या फ्लावर प्लांट, इसमें भी अब मैंने इसकी कटिंग्स कर दी थी, और यहाँ डॉग फ्लावर के 4 प्लांट लगा रखे हैं, और ये सारे कलांचों की छोटी छोटी सी वो कटिंग्स जिसे मैंने लगाए और आप सबके साथ कंटिन्यू शेयर करती आ रही हूँ। देखिए अब ये बड़े हो रहे हैं, अब कुछ ही में तो कलियाँ आ रही हैं, बट कुछ में कलियाँ नहीं आ रही है। ये मैंने ख़रीदा था इस साल, और डबल शेड में येलो कलर में है, बहुत प्यारा है, ये हमारा देसी वाला है। ये सभी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है शुरू से ही फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं आती हूँ गार्डन में, तो सूखे लीफ वगैरह इन सबको मैं हटाती रहती हूँ, कोई भी लीफ ख़राब हो गया हो तो। यहाँ पर यूफोर्बिया मिली, इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं, और देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, हर एक जगह फ्लावर्स दिखेंगे। ये जो छोटा वाला प्लांट है ये मैंने इसी मदर प्लांट से लेकर के लगाया था, और सक्सेसफुल रेट है बहुत अच्छा। और यहाँ पर सारे के सारे इस तरह से कलांचों की कटिंग्स मैंने लगा रखी हैं, सभी पे कलियां तैयार हो रही हैं, जब फ्लावर्स खिलेंगे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कार्नेशन को मैंने बीज से ग्रो किया था, अब इसमें हेल्थ अच्छी होने लगी है, पता नहीं फ्लावर्स ये कब देंगे, बट प्लांट अब अच्छा होने लगा है। सेव करके रख पाऊँ तो शायद अगले साल बहुत अच्छे फ्लावरिंग करें। और यहाँ देखिए मैंने सबको सेव करके रखा हुआ है, मॉस रोज, और इस तरह से देखिए मैंने ये प्लांट्स मैंने ख़रीदा भी है। ये देखिए ये कौन सा है, ये है जरवेरा का प्लांट, और वाइट कलर में लिया है मैंने। साथ में ये प्रमूला का प्लांट लिया है मैंने 2, और ये एक डार्क पिंक यानी रानी कलर में है, और दूसरा जो ये कलर है ये है पर्पल कलर में। तो ये प्रमूला का प्लांट भी बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने लिया, अगर गार्डन में आप रखते हैं तो ये बहुत खूबसूरत दिखेंगे। और साथ में मैंने लिया है ये रेनिनकुलस के 2 प्लांट। तो इस तरह से मैंने 5 प्लांट की खरीदारी कल ही की है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा गार्डन बहुत छोटा सा है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मेरे गार्डन में हर एक तरह के फ्लावर प्लांट्स हो, इसी के लिए मैं ये सब कुछ लगाती रहती हूँ। ये आइस प्लांट है। तो आई होप ये गार्डन ओवरव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर गार्डन ओवरव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। तो इस तरह से गार्डन ओवरव्यू दिसंबर का रहा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।